हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको पता है कि वो कौन सा अमानुष था जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान आईक्यू लेवल इक्वल्स टू अनदर लेवल वाले मानुष का दिमाग ना सिर्फ चुराया बल्कि उसका ऑपरेशन भी कर डाला? नहीं पता? नहीं। तो मैं हूँ ना। अब क्या अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपके पतले होने के लिए एक दरवाजा है जहाँ पे आप सिर्फ दरवाजा क्रॉस करके पतले हो सकते हो, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अब वो छोड़ो और एक और बात पर विश्वास करके दिखाओ। एक ऐसे देश में एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम किसी का भी खून भी कर लो ना तो भी तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, सच्ची सजा वजा कुछ कुछ नहीं मिलेगा। मेरी ये सब जानने के लिए बने रहिए आज के फ्लोनर एपिसोड के अंत तक, जिसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स है ना जिसे सुनकर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। फ्लोर नंबर वन, इंग्लैंड का शाहजहां। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में बना हुआ ये जो आइकॉनिक स्टोन हेंज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ये दरअसल एक ब्रिटिश शाहजहां चचा का गिफ्ट था अपनी बेगम के लिए। एक गिफ्ट। तो हुआ ये था कि एक ब्रिटिश बैरिस्टर सेसिल शब की बीवी मैरी ने सितंबर 21, 1915 के एक ऑक्शन से उसने अपने पति को सेसिल को एक बढ़िया सा पर्दा लाने को कहा। पर अब हमारे सेसिल चचा पर्दे जैसी छोटी सी चीज के जगह पे 6,600 pounds का ये स्टोन हेंज मॉन्यूमेंट ही खरीद लाए। मतलब कहां ये सस्ते से पर्दे और कहां ये एक मॉन्यूमेंट। पर अब मैरी चची को ये गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब करे तो क्या करे। तो अब सेसिल चचा ने थोड़ा सा सोचा और सोचा कि इतना बड़ा गिफ्ट तो शायद हमारी गवर्नमेंट ही संभाल सकती है। तो उन्होंने अपनी बीवी का ये गिफ्ट इंग्लैंड की गवर्नमेंट को 1918 में चिपका दिया। और कुछ ऐसी है ये स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री। लेकिन इस स्टोनहेंज की एक थ्योरी ऐसी भी है कि सेसिल चचा ने इस मॉन्यूमेंट को अपने देश को इसलिए दिया क्योंकि वो इसे अमेरिका के हाथों में जाने से बचाना चाहते थे। अब वजह चाहे जो भी हो, ये हिस्टोरिकल स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट इंग्लैंड में, बस बात खत्म। फ्लोर नंबर टू, पतला करने वाला डोर। बिल्कुल, पोर्चुगल के मोनास्ट्री सांता मरिया अल्कोबा में है एक ऐसा दरवाजा जो वहाँ के मंक्स को बिना किसी जिम के चक्कर घंचक करके ही पतला कर देता है। जानना है क्या है इस दरवाजे का जादू? तो सुनो, इसमें कोई जादू नहीं है बल्कि सारा खेल दिमाग का है। असल में 12th सेंचुरी में बने इस मोनास्ट्री के किचन को जाने वाले इस दरवाजे की चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 32 centimeters है, जिसमें से माइंड यू सारे मंक्स को इस दरवाजे से गुजर कर खुद किचन जाकर खुद ही अपना खाना लेना होता है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई मंक इस दरवाजे से नहीं गुजर पाया तो कुछ नहीं, भूखे रहो तब तक जब तक तुम उतने पतले नहीं हो जाते कि उस दरवाजे से घुस पाओ, समझे? फ्लोर नंबर थ्री, रियलिटी शो के नाम पर महबू बना डाला। इमेजिन अगर आप बहुत मेहनत करके मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे कोई एपिसोड में काम करके एक साल लगातार जंगल में खूंखार जानवरों के बीच में सर्वाइव करके अपने घर वापस आते हो और आपको घर वापस आके पता चलता है कि ये शो तो टीवी पे कब का बंद हो गया है, तो तुम अब तक वहाँ जंगल में किसके लिए सर्वाइव कर रहे थे? वेल, ये कहानी बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। सुनो, हुआ है ये। ब्रिटिश चैनल 4 पर आने वाले एडन नाम के रियलिटी टीवी शो के लिए 23 लोगों को चुना गया और इन्हें इस सर्वाइवर शो के नाम पर स्कॉटिश आइलैंड में फेंक दिया गया, जहाँ इन्हें वाइल्ड में अपने खाने रहने जीने और इस शो को खुद ही रिकॉर्ड करने की भी जिम्मेदारी दी गई। टोटल 23 कंटेस्टेंट्स वाली इस टीम ने अपने शो को कम्प्लीट करने की पूरी कोशिश, लेकिन इसमें से 13 लोग पहले ही हार मानकर अपने घर वापस लौट गए। बचे हुए 10 कंटेस्टेंट्स ने अपना खून पसीना एक कर अपने शो को पूरा किया। लेकिन यहाँ आता है कहानी का ट्विस्ट। जब ये सब लोग मस्त में एक साल वाइल्ड में सर्वाइव करके अपने घर वापस पहुँचे, टीवी ऑन किए अपना शो देखने के लिए, तब उन्हें पता चला कि ये शो तो दूसरे ही महीने में बंद हो गया था और पता नहीं कैसे किसी ने इन्हें बताया भी नहीं और ये लोग एक साल तक बिना किसी कारण के जंगल में भंगल करते रहे। अब यार ऐसी गलतियां भी कोई करता है क्या? फ्लैट नंबर 4, यहाँ मर्डर पर कोई जेल नहीं हो। किसी का मर्डर करना इज अ क्राइम जिसकी हर कंट्री में अलग अलग सजा है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ के कानून के एक तो लूप होलवा की वजह से आप यहाँ पे किसी का मर्डर करके भी बच सकते हो। अरे सच में, और ये जगह है यूएस का येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब देखो, बात ये है ना कि ये पार्क व्योमिंग, इडाहो और मोंटाना इन 3 स्टेट्स में बटा हुआ है और इसमें इडाहो के हिस्से में आने वाला 129.50 का लैंड बिल्कुल ही बिल्कुल खाली है। मतलब इतना खाली कि यहाँ पे तो परिंदे भी पर नहीं मारते। तो अब अगर यहाँ कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का खून कर दे तो यूएस के ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से उसे यहाँ की जूरी मतलब पंचायत मिलनी चाहिए। पर जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं तो जूरी कैसी, और जब जूरी नहीं तो पनिशमेंट कैसी, है ना? बस यही तो लूप होल है। अब 2005 में इस लूप होल की डिस्कवरी करने के बाद ब्रायन सी कॉल्ट नाम के एक बंदे ने गवर्नमेंट को इसकी खबर दी। मतलब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है लेकिन इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई इस पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। लगता है ये लोग इस लूप होल का इलाज तब करेंगे जब यहाँ पे सही में कोई किसी का खून करके जाएगा, तब तक किसी की आग भी नहीं खुलने वाली है।
फ्लैट नंबर 5, व्हाई दिस ब्लैक बॉल्स इन ब्लू ब्लू पानी? आखिर क्यों लॉस एंजलिस ने अपने ही साइलमा रिजर्वायर में पानी से ज्यादा 96 मिलियन ब्लैक बॉल्स घुसेड़ रखे हैं? आखिर क्या है इस वियर्ड से ब्लैक बॉल की बैक स्टोरी? अब असल में हुआ ये था कि सन 2000 में यहाँ पे एक रेगुलेशन पास किया गया जिसके मुताबिक पानी में ब्रोमेटाम के केमिकल के परसेंटेज को कम रखने की मांग की गई। अब ब्रोमेट क्या होता है? ब्रोमेट एक कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग केमिकल जो ब्रोमाइड और क्लोरीन के घुलने और सन की हीट से प्रोड्यूस होता है। अब एक बार हुआ क्या था कि ऐसे ही एक रिजर्वायर में बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक ब्रोमेट प्रोड्यूस होने की वजह से लॉस एंजलिस को 600 मिलियन गैलन पानी का लॉस हो गया था, यानी उनको पूरा का पूरा पानी फेंकना पड़ा था। अब अपनी इस गलती से सीख लेके ताकि ये गलती फिर से ना हो, इन लोगों को सनलाइट को रोकने का कोई ना कोई आइडिया चाहिए जो इनको वोइला इन काले शेड वॉल्स में मिला। इन लोगों ने 2009 में अपने लार्जेस्ट रिजर्वायर को इस 10 सेंटीमीटर वाले हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन के बॉल्स में पानी भर भर के अपने रिजर्वायर में फेंक दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आया? इन मोटे मोटे बॉल से ना सिर्फ सनलाइट रुकी बल्कि इससे तो इवेपोरेशन भी 80-90% तक रुक गया। मतलब वाह, व्हाट एन आइडिया एलजी। फ्लैट नंबर 6, चोर बना मसीहा। अब सुनो, एक बार एक आदमी के पास 1500 रुपए है, उसने एक औरत को 1500 रुपए दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे? क्या जीरो? नहीं, गलत। भूलो मत, दिस इज कलयुग, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। और मेरी इस कलयुग की कहानी का हीरो है अमेरिका का जाना माना चोर जैसे जेम्स। ये बंदा एक दिन मिसौरी के रास्ते से जा रहा और भूख लगने पर भेड़ पूरी खाने के लिए ये अपनी पलटन के साथ एक फार्म हाउस में घुस गया जहाँ रहती थी एक विधवा विद हर किडवा। अब इस विधवा ने गरीब होने के बावजूद भी जेम्स विद सह गैंग को एकदम यम यम खाना खिलाया। अब इस दरिया दिली को देखने के बाद जब चोरों के सरदार को ये बात पता चली कि इस विधवा बहन ने अगर आज के आज अपने डेट कलेक्टर को $1500 नहीं दिए तो वो अपने घर से बेघर हो जाएगी। अब ये सुनकर उसने फौरन अपने जेब से $1500 निकाले और विधवा बहन के हाथ में रख कर बोला, ये ले बहन, ये पैसे डेट कलेक्टर को दे देना और हाँ, रिसीट लेना बिल्कुल मत भूलना। और बस ये कहकर ये अपने पलटन के साथ घर के बाहर जाकर छुप गया। इसके बाद डेट कलेक्टर आया और जैसे ही उसने पैसे लेकर विधवा को रिसीप्ट दिया और वो घर से बाहर निकला ही था कि तभी जेम्स की पूरी गैंग ने इस बंदे को घेर लिया। उन्होंने उससे अपने $1500 वापस लूट लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। फिर से बताओ कितने पैसे बचे इनके पास? 1500 है ना, जीरो नहीं। मतलब क्या आइडिया लगाया चोरों ने। फ्लैट नंबर 7, सस्ता प्लस टिकाऊ इक्वल्स टू टेढ़ा मेढ़ा। क्या लगता है इस सांप की मौसी से दिखने वाली भांगर सीमेंट? भांगर सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ये टेढ़ी मेढ़ी दीवार ऐसी सीधी दीवार से मजबूत होगी या कमजोर? नो, डोंट से नो, क्योंकि अंबुजिया सीमेंट हो या भांगर सीमेंट, सीधी दीवार इक्वल्स टू कमजोरी का शिकार। बट अगर सीधी के बजाय टेढ़ी दीवार बनाई तो कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगा भाई, क्योंकि 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में इन्वेंटेड ये सांप की मौसी वाली दीवार का ये जो टेढ़ा मेढ़ा शेप है ना, यही एग्जैक्टली इसको एक स्ट्रेट दीवार से ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। प्लस इस शेप की वजह से ये लैटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है जिसकी वजह से ये अपने स्थान पर खड़े रहता है। और प्लस ये दीवार सिर्फ सिंगल ईंटों से बनती है जबकि सीधी दीवार दो ईंटों से बनती है, और फिर भी उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर अब बोलो सबसे ज्यादा मजबूत कौन? फ्लैट नंबर 8, विस्की का बॉल। अब फ्लॉरेंस में आपको बताने वाली हूँ दुनिया के उस आइलैंड की कहानी जहाँ इस वक्त भी विस्की वाला वॉर चल रहा है। हाँ सही सुना, विस्की वाला वॉर। और ये जंग लड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना कनाडा और उसका पड़ोसी डेनमार्क है। इन दो पड़ोसी के समुद्र के बीच में एक हंस नामक आइलैंड था और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी भी कंट्री के समुद्र तट से 12 किलोमीटर तक आने वाली जगह पर उस कंट्री का ही कब्जा होता है। तो अब बस यही तो झगड़े की वजह बन गई, क्योंकि ये हंस आइलैंड इन दोनों कंट्रीज के समुद्र तट से 12 माइल्स के अंदर ही आता है। तो अब इसमें कब्जा किसका? अब देखा जाए तो सबसे पहले 1984 में कनाडा आर्मी ने हंस आइलैंड पर जाकर अपना झंडा लहरा दिया और वहाँ पर इन लोगों ने अपनी विस्की की बॉटल भी रख दी एज अ साइन ऑफ विक्ट्री। पर इतनी आसानी से ये आइलैंड इनका कैसे हो जाता? डेनमार्क थोड़ी इतनी आसानी से मानने वाला था। इन फैक्ट डेनमार्क के मिनिस्टर जी तो खुद वहाँ चलकर गए और कनाडा का झंडा हटाकर उन्होंने अपना झंडा वहाँ लगाया और फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी लोकल विस्की की बॉटल भी रख दी। और बस तब से लेकर आज तक यहाँ पर ये विस्की बॉटल वाला जंग आज भी जारी है कि दोनों देश एक दूसरे का झंडा हटा हटा कर दूसरे की बॉटल हटा हटा कर अपनी बॉटल और अपना झंडा गाड़ रहे आज भी। अरे भाई, कोई इन दोनों गरीबों को ये बता दो कि दो पोल्स लगवा ले और दोनों अपना झंडा गाड़ ले, बस जंग खत्म। फ्लैट नंबर 9, आइंस्टाइन के दिमाग का दही। मेरा नहीं, आपके दिमाग का दही हो जाएगा अगला वाला फैक्ट सुनकर कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले आइंस्टाइन के दिमाग के साथ कौन से गंदे गंदे खेल खेले गए। एट द एज ऑफ 76 सन 1955 में जब आइंस्टाइन की मौत हुई तो उसी हॉस्पिटल के एक पैथोलॉजी
साइंटिस्ट थॉमस हार्वे ने चोरी चोरी चुपके चुपके आइंस्टाइन के सुपर ब्रेन का फॉर्मूला जानने के लिए उनका ब्रेन चुरा ली और वहाँ से 9 वगैरह हो गए। इसके बाद इस थॉमस के बच्चों ने आइंस्टाइन के दिमाग का इतना छोटा 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 टुकड़ा करके एक साइंटिस्ट से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास इतना घुमाया कि पूछो मत। और इस वर्ल्ड टूर में कई साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के दिमाग का चट्टी बनाकर उसका पोस्टमार्टम कर दिया, बस ये पता लगाने के लिए कि आखिर कैसे उनका दिमाग इतना फास्ट, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट चलता था। और आखिर में सारी रिसर्च पार्टी पूरी करने के बाद थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को प्रिंसटन हॉस्पिटल को दान कर दिया, जहाँ से अब ये यूएस के फिलाडेल्फिया शहर के मटन म्यूजियम में पहुंच चुका है। नाउ फ्लॉनर्स, इट्स टाइम फॉर फ्लॉन रिडल। ये वाला भी लास्ट टाइम की तरह ही बहुत लॉन है। अब समझो, अगर रिया नाम की एक लड़की को एक रूम में बंद कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे? इसका जवाब एज यूजुअल नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, विद आज के सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स कौन से लगे उनके नाम के साथ मेरे दिल के लिए। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। क्यों? बस कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है। और अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट अकाउंट को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ, विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को बिल्कुल ही मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।